हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी से और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभी से। तो 8 जुलाई से 11 जुलाई तक जो इंडियन नेवी MRSSR 2023 बैच के लिए एग्जामिनेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो आया हूं वो सभी शिफ्ट को देखने के बाद उसका पूरा एग्जाम एनालिसिस लेकर के, जैसे कि आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट थे, तो कौन सा सब्जेक्ट जो है इजी आया था, कौन सा टफ था, उसके साथ में क्या रिजल्ट कब तक आ सकती है, और उसके साथ ही साथ क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंडियन नेवी की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लो। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे भी जरूर ज्वाइन करो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको सभी अपडेट्स मिलेगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और उसके साथ में जल्दी रैपिड अपडेट मिलेगी। बिकॉज वीडियो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन वहां पे कुछ भी डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग जरूर वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले बात करते हैं MR एग्जाम के बारे में। तो MR का आपको पता है कि 8 जुलाई को 3 शिफ्ट में और 9 जुलाई को 2 शिफ्ट में ये MR का एग्जाम था। अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एक जनरल अवेयरनेस, ठीक है, यानी GK, और एक जो सब्जेक्ट इसके अंदर है या यूं बोले सेक्शन है, उसमें साइंस और मैथ्स दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसमें 25 क्वेश्चन होता है, इसमें 25 क्वेश्चन होता है, तो इसमें जो है 25 25 ही पूछा गया, बहुत ही सही तरीके से, लेकिन कोई सेक्शन नहीं दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं, यानी कि GK के बाद साइंस का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता था, मैथ्स का भी मिल सकता था, इस टाइप से, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम एग्जाम लेवल की। तो GK की बात करें तो मॉडरेट टू टफ रहा एग्जाम लेवल, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन थे और टफ क्वेश्चन भी कुछ थे, तो इस तरीके से इसका जो एग्जाम लेवल वो था। उसके बाद बात करें अगर साइंस की और मैथ्स की, तो साइंस तो बिल्कुल ही ईजी आई है, और मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट। अब मॉडरेट क्यों बोल रहा हूं मैथ्स को, इसके पीछे का रीजन जान लो। मॉडरेट इसलिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके सभी क्वेश्चन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग थे, यानी कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसका अच्छे से डीप, तब आप उसका आंसर दे पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे इजी टू मॉडरेट में रखा है। बाकी अगर बात करें तो ये सेक्शन GK की अपेक्षा ज्यादा ईजी था, तो दोनों ही सेक्शन कुछ इस प्रकार से इनका था। अब यहां पर अगर बात करें इस एग्जाम को देखने के बाद, तो ये जो एग्जाम लेवल है ये पूरी तरीके से देखा जाए तो इजी, मॉडरेट और टफ तीनों का कॉम्बिनेशन रहा है MR का, और हर एक शिफ्ट का। ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में इजी आ गया, किसी में टफ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर एक तरीके से रखा गया और एक तरीके से ही क्वेश्चंस को दिया गया है। तो ये हो गई MR की बात। अब चलते हैं हम SSR की ओर। SSR का एग्जाम जो हुआ वो 9 जुलाई को 1 शिफ्ट में हुआ यूनियन शिफ्ट में, और 10 और 11 जुलाई को 3 3 शिफ्ट हुए इसके। अब यहां पर बात करें तो इसमें जो अलग अलग सेक्शन की बात करें तो GK और रीजनिंग हो जाता है, एक में इंग्लिश, एक में मैथमेटिक्स और एक में फिजिक्स। अब यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले GK और रीजनिंग की, तो मॉडरेट टू टफ थी, GK टफ थी और रीजनिंग 2 3 क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, एकदम ईजी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी, ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन थे इंग्लिश के। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ थी और फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ थी, हर एक सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसे ओवरऑल बोले तो टफ टू सॉरी मॉडरेट टू टफ ये एग्जामिनेशन हुआ आपका SSR का, और हर एक शिफ्ट में सेम टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है कि कहीं पे इजी कहीं पे हार्ड, मतलब सेम लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम का लेवल था। तो ये एग्जाम लेवल रहा है, आप लोग इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि चीजें कैसी रहने वाली। और जब एग्जाम लेवल टफ जाता है, मॉडरेट जाता है, तो इट मींस कि जो कट ऑफ है वो आपकी नीचे आती है, ठीक है। अब ये होगी बात हमारे एग्जामिनेशन के लेवल के बारे में और इन सब चीजों के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब अगर आप लोग इस चीज को नहीं जानते हैं तो वो आपको बता देता हूं। नॉर्मलाइज करा कब जाता है मार्क्स को, जब हमारे पास सेक्शन हो, मतलब अलग अलग, जैसे 4 सेक्शन है SSR में, MR में 2 सेक्शन है, तो ये सेक्शन हो गए। अब होता क्या है, किसी में कोई सेक्शन इजी आ गया किसी के एग्जाम में, किसी के एग्जाम में कोई और सेक्शन इजी आ गया, जैसे एयरफोर्स के अंदर होता है, किसी में रागा किसी में इंग्लिश कुछ इजी आ जाता है, तो इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्या नेवी में किया जाएगा, लिख के ले लो 101% की नेवी नॉर्मलाइज नहीं करेगी मार्क्स को, और वो वैसे ही रहेगा ज्यों का त्यों जैसे है। बिकॉज पहली चीज तो ये सेक्शन वाइज नहीं ले रहे हैं, ना ही इनके पास सेक्शन वाइज कट ऑफ है। दूसरी चीज तो ये दो पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही पॉइंट ये प्रूव करने के लिए काफी हैं कि आपका जो एग्जाम होगा इसमें SSR और MR में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाली है, नॉर्मलाइज नहीं करेंगे मार्क्स को। सिंपल बात, एज सिंपल एज दैट, कि आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अब जो हमारी अगली कड़ी है उसमें हम बात करते हैं कितने अटेम्प्ट पे आपको श्योर रहना चाहिए या आपको करनी चाहिए तैयारी। देखो अगर आपने 35 to 40 कर लिया है ना किसी भी राज्य से SSR के लिए, एकदम सही सही आपके इतने हैं,
ज्यादा आपने रॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया है तो आप आराम से स्टेज टू की तैयारी कर सकते हो। वहीं पर एमआर की बात करें तो सेम उसमें भी है, 35 to 40 के आसपास आपका हो गया है तो आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें 30 to 35 भी होगा ना तो भी चलेगा, बिकॉज ये लेवल इस लेवल का रहा है, तो इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए और आप तैयारी कर सकते हो। स्टेज टू की तैयारी तो आई थिंक सभी को करनी चाहिए और मैं कराऊंगा भी, तो इस तरीके से ये चीजें रहने वाली है। बाकी अब बात करें अगर एग्जामिनेशन रिजल्ट की, तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी रिलीज की जाएगी। आमतौर पर आपको 20-25 दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, साथ ही साथ कट ऑफ के ऊपर भी लेकर आऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लो, वहां पर भी सजेशन दे सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लो ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।